की फैमिली डेली क्रेजी लाइव बाय प्याली पे आप सबको वार्म 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 वेलकम। मैं हूँ प्याली, आपके सबकी प्यारी। तो वार्म वेलकम तो मैंने बोल दी, बात मैं बाहर -22 फील लाइक 28 चल रहा है। तो आई डोंट नो कितना वार्म और कितना कोल्ड, पर जैसे भी हो आप सबको लेके तो चलना ही। और मैं क्यों, सिर्फ आप लोग भी देखो हालात क्या है, बहुत तकलीफ होता है। यस, बहुत तकलीफ होता है। हाँ, ये है कि एक क्वाइट सिटी है तो इसलिए अच्छा लगता है। हम लोग पहले भी कोशिश की एडमिंटन छोड़ने के लिए, बट फिर भी कोई ना कुछ के लिए हम लोग रुक गए, इधर जा नहीं पाए। तो अभी तो कोई चांस ही नहीं है जाने की, रुकना इधर ही है, क्योंकि घर भी हो गया, सब कुछ इधर ही एडमिंटन में हो गया। तो जितना भी ठंड हो, कुछ भी हो, छोड़ने के जाने का तो मन अभी करते नहीं है। पहले भी की हुई थी, राइट? हाँ, दोनों पहले भी बहुत बार की हुई थी कि छोड़ो, एडमिंटन छोड़ के चलते हैं इधर से, इतना ठंड सहन नहीं होता। बट अभी क्या होता है, कुछ भी ठंड होता है तो मम्मी पापा भी पहले ही बोल देते, एक्चुअली माँ पापा भी बोल देते कि आ जा इधर ही आ जा, ठंड के टाइम भी इधर। बट जॉब छोड़ के तो नहीं जा सकती। तो हाँ, देखो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि आप लोग भी साथ में हो। देखते हैं आगे क्या होता है। पहले मैं और मेरा बेटा चले जाना, शायद मैं 5 बजे के करीब ही मैं चली जाऊंगी मॉल, क्योंकि फिर आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ अच्छे से। और उसके बाद नौबा आना है 7:20 तक, क्योंकि किसी को आना था घर पे, तो उन्होंने अभी मैसेज की कि वो नहीं आ रहे, तो दैट्स ओके। तो फिर मैं जल्दी निकल जाऊँगी, मेरा काम हो जाए घर के, फिर मैं निकल जाना है। कितना बात कर पाना है मुझे सच्ची में नहीं पता, अदरवाइज मैं घर आके बात करना है। और फिर मॉल तो जा ही रही हूँ आज, थोड़ा सा धमाका दिखाऊंगी आज, मॉल कैसे सजा हुआ है वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को आज। तो चलो फिर मिलती हूँ आफ्टर माय जॉब। मैं आई हूँ बेटे को लेने। आज बहुत 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 ज़्यादा ठंड, आँख लाइक आँख जैसे ऐसे कर रही हूँ ना, खुलने में तकलीफ हो रहा है, मतलब चिपक रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड। चारी तरफ देख के ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या हाल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने वीडियो करना था, मैं भूल गई, तो मैंने ग्लव्स नहीं लेके आई, मेरा हाथ काट रहा है, लिटरली काट रहा है, जिसको बोलते हैं काटना। बेटे के लिए मैं वेट कर रही। एक्चुअली बच्चे लोगों का क्या होता है ना इस टाइम पे, वो स्नो पैंट, ग्लव्स, टोपी, सारा कुछ पहन के निकलते निकलते ना टाइम लग जाता है। देखो हालात, देखो मेरे बेटा जी की, इसको ना समझ में नहीं आता क्यों स्नो पैंट नहीं पहना, सबसे लास्ट निकला, फिर भी देखो स्नो पैंट नहीं पहना हुआ है, ग्लास नहीं है, टोपी नहीं है। आप बोलो गुस्सा क्यों नहीं आना एक माँ को, देखो नो हैट, नो स्नो पैंट, नो ग्लास, व्हाट हैपेंड फॉर यू, सीरियसली ना मामा, यू हैव अ फीवर, देन তোমার ফিভার আসলে তুমি স্টে হোম, মামা যাবে চলে যাবে। আমা আমাদের স্কুল বাইরে রিসেস হয়নি, ইনসাইড রিসেস হয়েছে। দ্যাটস ওকে, বাট তুমি তুমি এখন তো বাড়ি যাচ্ছ, এখন পড়োনি কেন? আমি দাঁড়িয়েছিলাম আজকে, আমি দাঁড়িয়েই থাকবো এখন, জ্বর আসলে কিন্তু আমি দেখবো না, ওকে? আমি জানি না কিছু, ওকে? চলো और कुछ नहीं देखना, अभी घर चलते आप लोगों को लेके। यार मुझे टांड लग रहा है, मैं नहीं चल पड़े, मैं भाग रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को बोली हुई थी सुबह जब मैं जॉब जाने लगी थी कि आज शायद मॉल जा सकती हूँ, नहीं जाना है, तो जा रही हूँ मैं और मेरा बेटा। नौबा आना है जॉब से। हाँ, बहुत देर हो गया, ऑलमोस्ट 6:30। नौबा तो गुस्सा ऐसे भी हो जाना है, क्योंकि नौबा को मैं बोली हुई थी मुझे निकलना है, मैं 5 बजे के करीब निकल जाना है, बट निकली हूँ 6:30, 1.5 आवर लेट। क्या करें, घर आने के बाद अब आप लोग भी समझ सकते हो, मैं जॉब से घर आई, घर का सारा काम ख़त्म की, उसके बाद ही तो निकलते, सर घर पे ऐसे मैसेज छोड़ के मैं नहीं निकल सकती, उसके लिए मेरा काम हो या ना हो, क्योंकि मैं ऐसे कभी कभी क्या, मैं शायद इंडिया में इंडिया गई 2020 पे, राइट 2019 पे शायद मैं ऐसे शाम को मॉल आई, उससे पहले मैं मॉल नहीं आई, उसके साथ उससे पहले बोलूँ, उसके बाद मैं मॉल नहीं आई, ऐसे रात करके शाम को।
इसके बाद ही अब अंदर जाओगे ना लग जाएगा गर्मी क्या है। बट कोई कोई चॉइस ही नहीं। मामा हरी से सिग्नल हो गया, सिग्नल हो गया था। मेरे साथ आज मॉल, हाँ कोई बड़े चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर से कुछ शॉप ही है। बट कोई क्रिसमस के टाइम पे थोड़ा सा दिखाना बनता है। इधर से मार्शल दिख रहा है, आ गया यू मॉल। तो बेटे को देखो, एक दो फोटो बेटे का खींचना है तो इसलिए तो बेटे का फोटो शूट कर दे। तो चला खा चला आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। चलो इधर का तो हो गया। अभी मुझे थोड़ा सा काम, एक्चुअली मुझे लेना है थोड़ा सा गिफ्ट पैक्ट वगैरह, तो वो थोड़ा सा मुझे गिफ्ट पैक वगैरह लेना है, तो मैं उस लिए थोड़ा सा जाना है दूसरे शॉप पे ले लेती हूँ। इन टाइम शायद नौवा भी पहुँच जाना है। चलो बेटे का एक दो फोटो खींच देते हैं। नवा को नवा लेने के लिए आना था, नवा पहुंच चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया हुआ था। तो देखा कि हाथ, दोनों हाथ भर गए। बेटे ने भी अपना जैकेट खोल ली क्योंकि उसको गर्मी लग रहा है। दीदी से हाय। हाय। अपना जैकेट, हाउ कम हु टोल्ड यू? आई डिडंट से एनीथिंग। आई वांट टू ईट माय सॉरी।
बेटे के है खाना। तो जैसे पहले ही बेटे को, बेटे ने क्या बोले, बेटे को भूख लग गया। तो चलो कुछ खाने, फूड कोर्ट तो पहुँची हूँ, अभी देखती हूँ खाने के लिए। बट एक्चुअली बैठ के नहीं खा सकती हूँ क्योंकि नवा के पहले, जैसे आप लोगों को पता है, नवा की आई कार्ड हमारे एवरीथिंग का गुम हो चुके हैं, तो बैठ के खा नहीं सकती हूँ। तो लेके जा सकते हैं, तो चाउमीन चलो देखती हूँ क्या लेती है। एक बार फुटा देते हैं, आइयो फूड कोर्ट पे, बट पता नहीं क्या लेना है, तो वही डिसाइड चल रहा है। आइयो चाइनीज शॉप पे, बट क्या लेना है देख लेते हैं एक बार, क्या लेना क्या है। मेरे खुली, मैंने भी पकड़ी, ऐसा नहीं कि नवा से पकड़ा हुआ है, ऐसा आप कमेंट मत कर देना किसी ने कि नवा ने से पकड़ा हुआ है, मैं भी पकड़ी हुई हूँ। मैं चलाते पाई ना वहाँ पड़ी, মামা দেখে চলো না একটু, লোকের গায়ের মধ্যে উঠে যাচ্ছ, করো না বাবা, লোকের গায়ের মধ্যে তুমি উঠলে, তুমি দেখলাম ধর্মকর্মী লোককে আদর করছো জড়িয়ে জড়িয়ে, এরা আমি দেখলাম পেলে নেই থা না ও দেখো, তো লোক ঘুমনে কে নিকল। ये 2 साल हम लोग कैसे शाम को मॉल नहीं आए, आज मैं वही बोल रही थी कि 2 साल हो गए हम लोग शाम को मॉल नहीं आए। हाँ काम के लिए हर हफ्ते लंदन जाना होता है, लंदन में हर हफ्ते हम लोग आते हैं। अरे ये देखे, ये कौन सा पता है जो मेरे घर बेडरूम पे है, वही वाला है। नाउ ओपन ये मॉल के अंदर ही है इंडोर स्विमिंग पूल। ये देखने के लिए मुझे सुबह आना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा अंधेरा है अंदर। ये जो वाटर देख रहे हो ना, जो पानी का वो देख रहा है, ये पूरा मॉल में जो म्यूजिक चल रहा है ना, इसी के साथ ये डांसिंग होता है। जब बढ़ जाता है तब बढ़ते हैं, जब स्लो होता है तब स्लो होता है। हाँ मॉल से निकल के कार पे हूँ, देख ही रहा है आप लोगों को, अभी जा रही हूँ ऑनेस्टली बोलूँ चाय लेने के लिए, कि कॉफ़ी और चाय कुछ ना कुछ तो लेना है। बहुत काम कर ली भाई, बहुत काम, तभी थोड़ा सा एनर्जी चाहिए और बैठ नहीं पा रही हूँ। तो बहुत बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है।
ऐसा ना ब्रीथिंग जब करोगे ना ऐसे करोगे खोलने से तकलीफ हो रहा है क्योंकि अटक रहा है, तो जैसे आप बंद करोगे ऐसे लगे किसी ने ग्लू से आपका पलंग ना चिपका दे रहा है। तो सोचो कितना ठंड है, मतलब तुरंत जम जा रहा है बाहर, अभी बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। तो मुझे चाहिए अभी कुछ ऐसा, और तो चलो चाय कॉफी कुछ ना कुछ लूंगी, तो देखती हूँ क्या होता है हालत और क्या लेना होता है। जो भी लूंगी जो भी करूंगी आप लोगों के साथ तो शेयर तो करना ही है, क्योंकि आप लोग फैमिली हो भाई, आप लोगों के बिना तो कुछ करना ही नहीं है। नवा है, बेटा पीछे है, सामान फुल्ली पीछे है। तो चलो एक्चुअली आज ऑनेस्टली बोलूँ कि थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ के लिए आना था, मुझे कुछ चॉकलेट्स चाहिए था देखे, और TNT में काम था, लंडन ड्रग्स में काम था, और न बेटे का जो कान गिटार टीचर है उसके लिए मुझे लेना था एक गिफ्ट, सबका गिफ्ट हो गया था, कायल का गिफ्ट रह गया था, मतलब बेटे का गिटार टीचर की गिफ्ट रह गया हुआ था, और कुछ चॉकलेट्स मेरे शॉर्ट्स पड़ गए, तो वही चॉकलेट्स मुझे चाहिए था तो वो मैंने ले ली। और ऑनेस्टली बोलूँ मैं हमेशा से जब इंडिया जाती हूँ हमेशा मैं लंडन ड्रग्स से चॉकलेट्स लेती हूँ, पहले मैं कॉस्को का कार्ड मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं जाती थी कॉस्को, अभी तो चलो मैं हम लोग कॉस्को से ले लेते, बट इन दिनों में नौबा को कॉस्को जाने का टाइम है नहीं नौबा के पास, हालांकि नौबा की जॉब कॉस्को के पास ही है, होटल कॉस्को कल इस साइड पे कॉस्को और उस साइड पे होटल, बट फिर भी नौबा के पास टाइम नहीं है कॉस्को जाना क्योंकि इसे ह्यूज लाइनअप हो जाता है। तो नौबा बोले चाहिए ठीक है मॉल जब जा ही रहे हो लंडन ड्रग्स से ले लो, तो ले ली लंडन ड्रग्स से चॉकलेट, क्योंकि मैं जब भी इंडिया जाती हूँ मैं लंडन ड्रग्स से लेती हूँ, सो आई एम कम्फर्टेबल। बट हाँ नेक्स्ट ईयर जब जाऊँगी ना इसके जब भी इसके बाद इंडिया जाना है सारे चॉकलेट जाना है कॉस्को, उसकी कॉस्को का चॉकलेट भी मुझे बहुत पसंद आया, कॉस्को का ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है ना, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छा लगा मुझे कॉस्को का, तो कॉस्को का सामान बहुत अच्छा होता है। तो वट एवर चलो अभी तो चलते जा रही हूँ, बोली कॉफ़ी और चाय ऐसा कुछ लेना है तो लेके जाना है घर। चलो फिर चलो ले ली मैंने चाय, क्योंकि अभी इस टाइम पे तो कॉफ़ी पीना नहीं है तो मैंने ली चाय, और तो क्योंकि बाहर निकल बहुत इतना ठंड लग रहा है कि बच्चे बड़ी हिम्मत नहीं हो रहा है, तो ले ली चाय और देखते हैं अभी घर जाना है, और उसके बाद ज़्यादा फ्रेश होके अगर खा के थोड़ा सा कुछ जो भी खाना है खाना खा के फ्रेश हो जाना है बहुत है। तो चलो फिर इसी के साथ आज अभी तो मॉल की वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बाहर जैसे मैंने शुरू तो की हुई थी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बाहर से, तो ख़त्म भी आज शाम को ही बाहर से ही करती हूँ। तो इस वीडियो पे कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज शेयर लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, आप लोगों की एक सब्सक्राइब एक शेयर एंड कमेंट्स मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ, आप लोग हो तो ये फैमिली है। तो चलो फिर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आके भी बोलना, तो आगे बढ़ने के लिए मुझे भी हिम्मत मिल जाएगा, और आशा करती हूँ आप लोग मेरे साथ होंगे, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, एंड हमेशा हंसते रहना है खुश रहना है, आप हंसोगे तो आपका फैमिली हंसना है, आप खुश रहोगे तो आपका फैमिली खुश रहना, तो तब तक के लिए हंसते रहो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय ऑल, लव यू।